नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सैनिट एस बाई 210 एक्सामीटर पे, जिसका मॉडल नंबर है 2018। इसमें शिकायत आ रही है ऑटो आइडल सेंसर की। ये ऑटो आइडल सेंसर है इसका, इसकी वजह से क्या होता है, ऑटो आइडल नहीं होता है इंजन, फ्यूल कंजप्शन में इंक्रीजमेंट हो जाता है और ना ही मॉनिटर कैलिब्रेशन लेता है। तो आज हम इसकी सेट करते हैं और इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसकी सप्लाई चेक करो के भाई। जब इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई चेक कर रहे हैं, 20 वोल्ट से अप्रॉक्स आना चाहिए। हमें वायर हटाओ जरा। अच्छा, ये 19 वोल्ट में आउटपुट आ रहा है, ये प्रॉपर है। ये कंट्रोल वॉल्व पे होता है, यहाँ पे नीचे लाइन में लगा हुआ, पायलट लाइन में। इसका काम ये रहता है, जैसे मशीन लीवर नहीं लगी तो ये मशीन को ऑटो आइडल कर देगा, एक फिक्स आरपीएम पे छोड़ देगा, मिनिमम आरपीएम पे। आज हमने इसे चेक किया, सप्लाई है, बट मशीन ऑटो आइडल नहीं ले रही है और कैलिब्रेशन नहीं ले रही है, नहीं दोबारा से ले रही है। क्लीन करके और इसको लगा के खोल के ओपन किया है, इसमें से ये डिसमेंटल किया है, इसको क्लीन करके फिक्स करते हैं एक बार, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक बार इसको लगाने के बाद। ये है अपना ऑटो आइडल सेंसर, ये इसमें टेंशनर है और ये इसमें पॉपेट दिया हुआ है, ये पॉपेट है इसका, ये इसके अंदर रहता है जो वर्किंग में रहता है। अब हम इसको फिक्स कर रहे हैं, तो पहले स्प्रिंग डाली, उसके बाद पॉकेट लगा दिया। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे दोस्तों। इसको एंड लिमिट तक टाइट करना है। टाइट करने के बाद हम इसको फिक्स करते हैं। अब ये फिक्स होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे फिक्स होता है अपना, यहाँ पे ये हमने फिक्स कर दिया है इसको। यहाँ से दिखाओ जरा, ये चाबी लगी है, ये वाला सेंसर, ये सेंसर ऑटो आइडल सेंसर। इसको फिक्स करने के बाद आपको एक बार फिर बताते हैं क्या होता है इसमें। इसकी वायरिंग फिक्स करते हैं। इसको सेट कर दिया, अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करते हैं और देखते हैं इसका अपडेट क्या है।